दोस्तों, अब आपको सबसे पहले अपने फोन में एक एप्लीकेशन इंस्टॉल करना है। आपको प्ले स्टोर को ओपन करना है। प्ले स्टोर को ओपन करने के बाद आपको यहाँ पर सर्च करना है डायनेमिक आइसलैंड। आपको यहाँ से इस एप्लीकेशन को इंस्टॉल कर लेना है। 4.5 की काफी अच्छी रेटिंग है, 5.5 MB का एप्लीकेशन है। तो ऑलरेडी मैंने इस एप्लीकेशन को इंस्टॉल कर रखा है, तो चलिए मैं आपको बताता हूँ कि कैसे आपको इसमें सेटअप करना है, कैसे आपको इस एप्लीकेशन को यूज करना है। दोस्तों, ये जो एप्लीकेशन है काफी स्टाइलिश एप्लीकेशन है। जब आप इसको यूज करोगे, जब भी आपके पास कोई भी नोटिफिकेशन आएगा, कोई भी मैसेज आएगा, आपका जो फोन है देखने में काफी ज्यादा स्टाइलिश लगेगा। जब आप इस एप्लीकेशन को इंस्टॉल करके ओपन करोगे तो कुछ इस तरह का यूजर इंटरफेस मिलेगा। आपको कुछ परमिशन अलाउ करने होंगे। आपको इसको सबसे पहले यहां से टर्न ऑन करना है। अब आपको एक्सेसिबिलिटी परमिशन को अलाउ करना है, ओके पर क्लिक करना है। ठीक है, आपको नीचे स्क्रॉल करना है। नीचे आपको एक ऑप्शन मिलेगा डायनेमिक आइसलैंड, आपको यहां से इसको ऑन कर देना है, ओके पर क्लिक करना है। तो हमने परमिशन को अलाउ कर दिया। ठीक है, इसके बाद आपको यहां पर एक ऑप्शन मिलेगा डिस्प्ले का, आपको इस पर क्लिक करना है। तो दोस्तों, आप यहां पर देख सकते हो डायनेमिक आइसलैंड फीचर यहां पर ऐड हो चुका है। ठीक है, अब आप यहां से इसको कस्टमाइज कर सकते हो। दोस्तों, आप इसके साइज को बड़ा कर सकते हो, छोटा कर सकते हो। जैसे आप यहां पर देख सकते हो 96 पर सेट है। ठीक है, आप इस तरह इसको बड़ा कर सकते हो अपने पसंद के हिसाब से। तो 96 काफी अच्छा साइज है। ओके, आप हाइट को कम कर सकते हो, ज्यादा कर सकते हो। तो इसको हम 32 पर कर देते हैं, जो कि देखने में काफी ज्यादा स्टाइलिश लगता है। ओके, अब आपको बैक आना है। दोस्तों, बैक आने के बाद आपको यहां पर एक ऑप्शन मिलेगा नोटिफिकेशन, आपको इस पर क्लिक करना है। यहां से आपको इसको ऑन कर देना है। ठीक है, इस तरह आपको इसको ऑन करना है, परमिशन को अलाउ कर देना है। क्योंकि इसके पहले मैंने इस टॉपिक पर एक वीडियो बनाया था, काफी सारे लोगों ने कमेंट किया था कि हमारे फोन में ये काम नहीं कर रहा है, वर्क नहीं कर रहा है। क्यों? क्योंकि वो पूरा वीडियो नहीं देखते हैं, सेटअप नहीं कर पाते हैं। ठीक है, इसलिए आप वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। ओके, इसको अलाउ करने के बाद आपको बैक आना है। बैक आने के बाद आपको यहां पर एक ऑप्शन मिलेगा जिस्टर। दोस्तों, आप यहां पर जिस्टर को ऐड कर सकते हो। जब आप इस तरह स्वाइप अप करोगे, वॉल्यूम अप हो जाएगा, डाउन हो जाएगा। आप देखो, यहां पर वॉल्यूम अप हो गया। आप इस तरह करके इसको डाउन कर सकते हो, कम कर सकते हो। देखो, कम हो रहा है। ठीक है, अगर आप इस तरह करोगे तो ये अप हो जाएगा। आप यहां पर और भी चीजों को ऐड कर सकते हो। सिंपली आपको जिस्टर पर क्लिक करना है। अब आपको यहां पर दो ऑप्शन मिलेंगे, स्वाइप लेफ्ट, स्वाइप राइट। ठीक है, आप इसमें कमांड को ऐड कर सकते हो कि आप बैक ऐड कर सकते हो, होम कर सकते हो, रिसेंट कर सकते हो, वॉल्यूम को अप डाउन कर सकते हो। ठीक है, अपने पसंद के हिसाब से आप यहां पर कमांड को सेट कर सकते हो। ठीक है, इसके बाद आपको बैक आना है। बैक आने के बाद आपको इस एप्लीकेशन को बंद कर देना है। ओके, जो सेटअप है वो कंप्लीट हो चुका है। तो दोस्तों, हमने एप्लीकेशन को बंद कर दिया है। ठीक है, अब हम एक मैसेज करते हैं। तो यहां पर हमने एक मैसेज कर दिया है, आप देख सकते हो मैसेज आ चुका है, जो कि देखने में काफी ज्यादा स्टाइलिश लग रहा है। ठीक है, अगर व्हाट्सएप पर कोई भी मैसेज करेगा दोस्तों, आपको कुछ इस तरह का मैसेज शो होगा, जो कि देखने में काफी अच्छा लगता है। जो भी देखेगा एक बार जरूर चौंक जाएगा कि यार भाई, आपने कैसे इसको सेट किया है। ठीक है, अब हम फिर से मैसेज करते हैं। तो यहां पर हमने फिर से मैसेज कर दिया है। ठीक है, इस तरह गाइस, आप बहुत ही आसानी से iOS के डायनेमिक आइसलैंड फीचर को एंड्रॉइड फोन में ऐड कर सकते हो। अगर आप इस पर क्लिक करोगे तो आपको यहां पर काफी सारे फीचर्स मिलेंगे। आप यहां से सेटिंग को ओपन कर सकते हो, डैशबोर्ड को ओपन कर सकते हो, कैमरा को ओपन कर सकते हो, फ्लैश लाइट को ऑन ऑफ कर सकते हो। आप देख सकते हो फ्लैश लाइट यहां पर टर्न ऑन हो चुका है। ठीक है, इस तरह आप फ्लैश लाइट को टर्न ऑन कर सकते हो, ऑफ कर सकते हो, अपने फोन को लॉक कर सकते हो, यानी आप शॉर्टकट तरीके से अपने फोन को यूज कर सकते हो। और दोस्तों, नोटिफिकेशन वाला जो फीचर है काफी मजेदार है। तो उम्मीद करता हूं आपको ये वीडियो पसंद आई होगी।